हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हमारी आफ्टर इफेक्ट की नई क्लास आ रही है। सो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा बाउंसिंग बॉल, और उसमें हमने एप्पल का लोगो भी डाल दिया, तो थोड़ा बहुत क्रेजी स्टफ हो जाएगा। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट वाली क्लास को। सो गाइज, बाउंसिंग एप्पल लोगो करने के लिए आपको सबसे पहले एप्पल का लोगो लेना है और एक 3D सर्कल शेप में डालना पड़ेगा, जो कि बॉल की तरह लगना चाहिए। तो मैं आपको फुल क्रिएट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एक वाइट सॉलिड लेनी है कंट्रोल वाई प्रेस करके, एंड देन आपको एप्पल का लोगो डालना है इसमें, एंड फिर उसे प्रीकॉम करके फिर उसे हाइड कर देना है। एंड अब वाइट सॉलिड विजिबल है, सो अब आप यहाँ पर न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करके। एंड अब आपको इस एडजस्टमेंट लेयर में CC स्पेयर इफेक्ट डालना है, एंड देन अब आपको यहाँ पे रेडियस दिख रहा होगा 231 कर दो रेडियस को। लाइट्स एंड शेडिंग की वैल्यू सेम रखना इसमें, रिफ्लेक्टिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी एप्पल वाली बॉल में अच्छा इफेक्ट आएगा। अब हमने एप्पल वाली बॉल बना दी है, अब फटाफट बाउंसिंग इफेक्ट देते हैं। उसके लिए आपको स्केल एंड पोजीशन से खेलना पड़ेगा। पोजीशन में वाई एक्सिस को इंक्रीज करो एंड स्केल में एक्स एक्सिस को डिक्रीज, उससे आपकी बॉल पिचक जाएगी थोड़ी सी, और आफ्टर 15 फ्रेम बाद उसमें की फ्रेम लगा दो। एंड स्केल की वैल्यू मैंने रखी है 30.42, एंड देन उसके नेक्स्ट फ्रेम में मैंने वैल्यू रखी है 54.25। क्यों रखी है? ताकि बॉल की शेप पूरी चेंज हो जाए और हॉरिजॉन्टल वाली साइड थोड़ी बड़ी दिखे और वर्टिकल वाली साइड थोड़ी छोटी। अब इतना हमने कर लिया है। नेक्स्ट 15 फ्रेम के बाद पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट में ले है एंड स्केल को बराबर रखें 42.42, या जो आपकी वैल्यू होगी वो, जिससे सर्कल फुल लगे। एंड देन इसको रिपीट करें आप 15 फ्रेम बाद की फ्रेम, नेक्स्ट की फ्रेम में शेप चेंज, एंड देन 15 फ्रेम बाद नॉर्मल प्रेस। सो अब हमने बाउंसिंग इफेक्ट भी बना दिया है। इसमें आप मोशन ब्लर इफेक्ट भी अनेबल कर सकते हैं। अब हम फ्लोर के लिए कुछ बनाते हैं, और उस चीज़ को हम बोलते हैं हर्ड एनिमेशन। सो हर्ड एनिमेशन बनाने के लिए एक सर्कल लो, उसका स्केल 0 रखो, एंड देन उसका स्केल 100 कर दो, तो उसे खुलता हुआ दिखेगा। एंड ये जो पार्ट स्केल से करोगे, इसमें आपका फिल वाइट कलर का या कोई से भी कलर का फिल होना चाहिए। सो वाइट सर्कल मैंने फिल वाला यूज़ किया है, और अब मैंने जो दूसरा सर्कल बनाया है वहाँ पे फिल को क्लोज कर दिया है, और स्टॉक मैंने अपोजिट कलर का रखा है। तो जैसा कि मैंने वाइट पहले सर्कल लिया था, तो मैंने इस बार ब्लैक कलर का स्टॉक रखा है, और अब ये दोनों स्केलिंग हो गई है। दोनों के बीच में 2 या 3 फ्रेम या 5 फ्रेम तक का गैप दे सकते हो की फ्रेमिंग में। अब जो आपका तीसरा सर्कल बनेगा, वहाँ पे आपका बैकग्राउंड का कलर का पूरा सर्कल फिल के साथ बनेगा। सो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया, जिसकी वजह से एक अच्छा एनिमेशन दिख रहा है। आप इसी को आप रिपीट कर दो। मैंने यहाँ पे 3 रिपीट किए हैं। अब हमारे पास फ्लोर भी बन गया और सारी चीज़ बन गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन प्रोजेक्ट फाइल में जाना है, और वहाँ पे इस फ्लोर वाले जो सेक्शन को, इसकी स्केलिंग में हमें चेंजेस करने हैं। जो इसकी स्केलिंग मैंने रखी है वो रखी है 194:36, ताकि ये थोड़ा फ्लोर जैसा लगे। और ये जो हर्ड एनिमेशन कब आएगी, ये तब आएगी जब बॉल फ्लोर को टच करेगी, उससे ये इफेक्ट बहुत अच्छे से खिल के निकलेगा। सो गाइस, आपको ये इजी टेक्निक कैसी लगी, बाउंसिंग बॉल विथ एप्पल लोगो? ये आप मेरे को कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा। मैंने बहुत इजी और सिंपल टेक्निक बताई है आपको। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रेजी टेक्निक्स के साथ। तो चलिए फटाफट चलते हैं। बाय, टेक केयर।